अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूँ शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। आज के अनकट में हम बात करेंगे अयूब खां, राजा बिलाल जेल को गए, खैसर यूसुफ का कॉम्प्रोमाइज, अब नामपल्ली में एमआईएम के लिए काम करेंगे, अब किसकी बारी है ये देखिए। एक बार ये तो हो गया एक इशू, अब दूसरे इशू पर चलते हैं। जैसा कि नामपल्ली के एमआईएम कैंडिडेट जाफर हुसैन मेराज ने अपने एक माउथपीस चैनल के जरिए एक वायरल वीडियो इन पर जो जारी किया गया था परिवार टाउनशिप के मस्जिद का, वो वायरल वीडियो को झूठा साबित करवाया अपने माउथपीस चैनल के जरिए। क्या नमाज वहाँ हो रही है? नहीं हो रही। अवाम कल जुमा पढ़ने के लिए वहाँ गई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स और चंद पहलवानों की जानिब से अवाम को वहाँ से भिजा दिया गया, ये कह करके मस्जिद छोटी है, जुमा की नमाज नहीं हो सकती। ये एक हमारा स्टिंग ऑपरेशन देखिए। नमाज है बल्कि लोगों को मालूम नहीं है, मस्जिद बिल्कुल छोटी है, मान तो नमाज बाद जमात होती है सोशल मीडिया पे बात है, वो डाल दिया लोग पॉलिटिक्स वाले क्या है क्या है कुछ मुद्दा मिलना है, लेकिन ये अल्लाह का घर है इंशाल्लाह। नहीं पाँच वक्त जमात नहीं जुम्मे की नहीं, छोटी है मस्जिद, बिल्कुल छोटी है अल्हम्दुलिल्लाह, मसले मसाइल भी है। चलिए अब चलते हैं नामपल्ली के कांग्रेस के स्टाइलिश स्टार कैंडिडेट फेरोज खान ने जुमा की नमाज के बाद अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया, आइए देखते हैं। सर जिसके लिए कौम के मर्दों ने कटाए, इज्जत के गोहर बेटियों बहनों ने लुटाए, इस्लाम की तौकीर पे घर बार जलाए, कहलाता है तखरीब वही दीन का नारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। अब हम आपको लास्ट में एक बता देना चाहते हैं, पुराने शहर के एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुकामी लोगों ने शव यात्रा निकाली। किसकी? एमआईएम की शव यात्रा, जनाजा निकाला और ये डायलॉग्स कहते हुए, ये नारे देते हुए निकाला कि मजलूम आवाम को जो बर्बाद करे हैं उन्हें अल्लाह बर्बाद करे। ये शव यात्रा भी देख लीजिए। चलो यतीमों का लूटने वाले के घर में ऐसी मुर्दे निकलो, आमीन। बेवाओं का लूट के लेके गया उसके घर में ऐसी बेवाएं निकलो, आमीन। ये तो हुआ मुख्तलिफ उन्माना। अब हम चलते हैं फायरिंग स्पीच, ये सब तो ठीक है। कायदे मुखदिना अकबरुद्दीन अवैसी की एक फायरिंग स्पीच पे आवाम सब कुछ भुला देती है। नामपल्ली के हलके में हुए एक जलसे आम से खिताब करते हुए कायदे मुखदिना शेर दक्कन अकबरुद्दीन अवैसी ने काफ़ी जज्बात में आकर गोशा महल के सबका MLA राजा सिंह को अपने पैरों की धूल कहा और कहा कि जब चाहे जब उसे मसल देंगे, आइए देखते हैं। अरे गांव रक्षक हो यहाँ भी एक रहता है हर थोड़ा दिन को बार 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 अरे वो तो मेरे पैर की जूती का धूल है। जाके बीफ एक्सपोर्टर्स को मारना, उनको रोकना, वहां रोकने की हिम्मत नहीं है, बाकी पहलवान चड्डों में से लोड़े पड़े। तो बहरहाल हमारा आज का अनकट बताने का मकसद ये है कि सब एक तरफ, सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी की स्पीच एक तरफ,
उनकी जज्बाती स्पीच देखकर आवाम सब कुछ भुला देती है। ये चलता आ रहा है रिवाज। ये था आज का हमारा अनकट शो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए, अच्छे सजेशंस दीजिए। ये था आज का हमारा अनकट। मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।